आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है कि मॉडर्निज्म से पहले जो कुछ भी चीज़ें थी, चाहे वो हमारी ज्योग्राफी थी, चाहे हमारी हिस्ट्री थी, चाहे हमारी एजुकेशन थी, वो कुछ जो है सब पोस्ट मॉडर्निज्म में इंक्लूड होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स अप्लाइंग। पोस्ट मॉडर्निज्म इंक्लूड आर्किटेक्चर, आर्ट, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कल्चरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, लिटरेचर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मीडिया स्टडीज, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, वुमेन स्टडीज़ एंड जियोलॉजी। ये सब क्या है, मतलब कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं, ये सब है क्या पोस्ट मॉडर्निज्म में जो कुछ भी आता था, ये सब उसमें इंक्लूड है, चाहे वो हमारी लॉ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये सब क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म में इंक्लूड है। Despite different interpretations of postmodernism, there is general consensus that it is foremost a cultural phenomenon. कई जो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग interpretations होती हैं, अलग अलग views हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि postmodernism है क्या, ये एक cultural phenomenon है। There are several facets to the cultural perspective postmodernism. If one recognizes that marketing is part of culture, then postmodern cultural aspects become important factor in the context of marketing. An outline of common postmodern cultural aspect follows. तो जो हमारा postmodernism है, उसमें जितने भी हमारे cultural aspects हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आगे इन्होंने जो है इसके कुछ फैक्टर्स बताए हैं, कुछ इसके मार्केटिंग के भी फैक्टर्स हैं, तो वो जो फैक्टर्स हैं आगे बताए हुए हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक बेसिस। फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज्ड कंज्यूम्पशन। कहते हैं जितने भी फोर्स कर रहे हैं, फोर्सफुली प्रेशराइज कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, कैपिटलिज्म के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी उतनी ही इंक्रीज़ हो रही है और कंज्यूम्पशन भी उतनी ही इंक्रीज़ हो रही है। आगे है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कि हमारे जो वर्ल्ड है, हमारी जो यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे जो हैं कल्चर्स हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म रिकॉग्नाइजेज दैट द वर्ल्ड कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल एंड डिवर्स कल्चर्स। पोस्ट मॉडर्निज्म में भी बताया गया है कि हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें अलग अलग जो है कल्चर्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप इंटरेस्ट एंड क्लास न्यूट्रल इशूज, द इरोजन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, फुलफिलमेंट ऑफ मल्टीपल रोल्स, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन रिलीजन एंड अ ड्राइव टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे जैसे जो है जो अवेयरनेस, जागरूकता है माइनॉरिटी ग्रुप्स में, उनके जो अपने अपने इंटरेस्ट के अवेयरनेस बढ़ रही है, उनके जो अलग अलग अपने रोल्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए, या क्लास के म्यूचुअल इशूज़ आगे बढ़ रहे हैं, डिपेंडेंस एक दूसरे के रिलीजन पर जो ख़त्म हो रही है, तो इससे जो है एक व्यक्ति जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर डिपेंड हो रहा है, इसीलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की वजह से जो ये जो है उत्पन्न हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन कुड बी कंसिडर्ड टू एट्रीब्यूट टू द मल्टी कल्चरलिज्म एसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ग्लोबलाइजेशन जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एट्रीब्यूट ही माना जाता है, उसका मल्टी कल्चरलिज्म एसेप्ट माना जाता है, कि इसमें जो है जो ग्लोबलाइजेशन है वो है क्या। ग्लोबलाइजेशन में भी यही है कि सभी जो एक ग्लोबल विलेज बनाने की बात करते हैं, जिसमें किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना की जाए, तो इसीलिए ये भी जो है मल्टी कल्चरलिज्म एक्सेप्ट है, बिकॉज वन ऑफ इट्स आउटकम्स इज ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़, कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस।
which in turn has improved the general public's understanding and acceptance of diversity. क्योंकि ये क्या करते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ को, कल्चर्स को जो है अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति जो है वो अंडरस्टैंड करता है, हर एक चीज़ को पब्लिकली अंडरस्टैंड करता है, और डाइवर्सिटी जो हमारे भिन्नता है उसे वो एक्सेप्ट करता है. नेक्स्ट इज टॉलरेट्स डिफरेंस. ऑल्दो पोस्ट मॉडर्निज्म टॉलरेट्स डिफरेंसेस, इट डज नॉट एलिमिनेट प्रेफरेंस. तो इसमें जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसमें किसी को भी इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि वो डिफरेंसेस को टॉलरेट करते हैं और वो भी चाहते हैं कि सभी के साथ इक्वालिटी बनी रहे. नेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्निज्म कम्प्लेक्सिटी थ्योरी. अब पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म टेक्स द व्यू दैट इन्वायरमेंटल फोर्सेज आर बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल एंड सच द एनवायरमेंट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इन मेगा मार्केटिंग which states that organizations can exert some influence on the external environment, for example, through lobbying, so the organization is not entirely at the mercy of the external environment. तो वो कहते हैं कि चाहे एक organization है वो control में है environment के, उस organization करना है उसको shape देनी है, लेकिन फिर भी कुछ इसके influence होते हैं, कुछ internally influence होते हैं और कुछ externally influence होते हैं. लेकिन ये नहीं है कि पूरा टोटली जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस के अंदर है, ये नहीं होता, पूरा ही उस पर डिपेंड नहीं होता, तो वो इंटरनली इन्फ्लुएंस भी होता है और एक्सटर्नली भी. नेक्स्ट इज नॉन लिनियरिटी इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. दिस इम्प्लाइज दैट इनपुट्स एंड इंटरैक्शंस बिटवीन देम डू नॉट अचीव predictable outcomes and the system never reaches equilibrium. कई बार ये जो है complex system बन जाता है वो क्यों, क्योंकि जो इनके input होते हैं, जो इन्होंने सोचा predict किया होता है कि ये हम करेंगे तो इससे outcome क्या आएगा, ये आएगा. लेकिन कई बार आता है क्या होता है कि जो हमारी thinking होती है उस जितना हमारा जो outcome है वो नहीं आता, तो equilibrium जो है वो नहीं reach कर पाता. These characteristics of complexity are evident in social system. और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसमें, हमारे सोशल सिस्टम में ही है. सोशल सिस्टम आर मल्टी डायमेंशनल. हमारा जो सोशल सिस्टम है उसकी कोई भी एक डायमेंशन नहीं है, उसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, ये मल्टी डायमेंशनल है. दे आर अनबाउंडेड एंड द रूल्स ऑफ द सिस्टम चेंज ओवर टाइम एज द सिस्टम रीएडजस्ट. और ये अनबाउंडेड है क्योंकि इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, रीएडजस्ट होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज इन नॉन लीनियर सिस्टम्स द एज ऑफ कॉज इज द इंटरफेस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड डिसऑर्डर विच इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्चर विच गिव दिस सिस्टम्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू रिएक्ट इन अ वॉलेटाइल इन्वायरमेंट विदाउट कोलैप्सिंग इनटू एन एंट्रोपिक स्टेट. तो ये क्या है, एक इंटरफेस है कि किसी भी तरीके की एनार्की या कॉज जो है वो ना फैले, तो एक स्टेबिलिटी बनाए रखता है, डिसऑर्डर जो है उसे होने से रोकता है, डिस्ट्रक्चर होने से रोकता है. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है ताकि जो हमारा स्टेट है वो कलेप्स ना हो, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे ढंग से चलता रहे. नेक्स्ट इज अडैप्टिव systems are self-maintaining and self-managing systems that operate far from equilibrium but are environmentally dependent. Adaptive system iska aisa hota hai, ye self-maintaining hai aur self-managing hai aur ye equilibrium to hai lekin phir bhi ye environment par depend karta hai. Aur iske kitne traits hai, 4. Number 1, they comprise of numerous agents acting at random, not hierarchical. तो ये इसमें जो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं लेकिन वो हायरार्किकली काम नहीं करते. दे कॉन्टीन्यूसली रीऑर्गेनाइज फॉर्मिंग एज मैनी लेवल्स एज नीडेड. तो वो क्या करते हैं, बार बार रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जितने लेवल उन्हें चाहिए होते हैं, जितने ज़रूरत होती है उतने फॉर्म कर लेते हैं. नेक्स्ट इज दे रिक्वायर एनर्जी टू सस्टेन दैम, इफ दे आर नॉट सस्टेन्ड दे विल ड्विंडल आउट. तो वो क्या करते हैं, सस्टेन करते रहते हैं एनर्जी को, अगर एनर्जी को सस्टेन ना करें तो भी उनका जो काम है वो नहीं चलता. दे हैव कैपेसिटी टू
लर्न, और उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को याद कर पाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इज इन इनडायरेक्ट कंट्रास्ट टू नेगेटिव फीडबैक। अब एक नया फीडबैक जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, कंट्रास्ट है। वेयर नेगेटिव फीडबैक इज यूज एज अ रेगुलरिटी कंट्रोल टू रिगेन इक्विलिब्रियम। नेगेटिव फीडबैक इसलिए दी जाती है ताकि जो एक व्यक्ति है अगर उसने गलत कार्य किया है और तो वो सुधरे और सही कार्य करे। तो इसी तरीके से कंट्रोल में रखने के लिए जो इक्विलिब्रियम है उसे रीगेन करने के लिए जो है वो नेगेटिव फीडबैक यूज़ की जाती है। पॉजिटिव फीडबैक आर्ग्यूमेंट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज टू सस्टेन डिस इक्विलिब्रियम। स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैव द कैपेबिलिटी टू मैग्नीफाई ग्रेट चेंज इन अनस्टेबल सिस्टम। तो ये क्या करता है, डिस इक्विलिब्रियम ना बना रहे इसके लिए जो है वो कार्य करता है, क्योंकि अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन आए, कुछ भी अगर चेंज हो, तो वो छोटी सी चेंज कई बार जो है बहुत ज़्यादा चेंज ला देती है, तो उसी के लिए ये जो है एक ऑर्डर बना के रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्टिंग टू अप्लाई द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस रन द रिस्क ऑफ हैम्परिंग देयर डेवलपमेंट एंड मे फाइंड देमसेल्व्स ऑक्यूपाइंग एन आर्टिफिशियल पोजीशन। तो कई बार जब हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने डेवलपमेंट के लिए अपने रिस्क पर जो है अपनी आर्टिफिशियल पोजीशन जो है कई बार बना लेती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। द प्रीडोमिनेंस ऑफ द नेगेटिव मोड ऑफ डिफाइनिंग पोस्ट मॉडर्निज्म मे बी रिगार्डेड एज अ नेसेसरी स्टेज। कहते हैं जो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म है इसे भी एक नेसेसरी स्टेज की तरह माना जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद द नोवेलिटी व्हेन एवर वी इनकाउंटर समथिंग न्यू वी आर इनिशियली बाउंड टू कंट्रास्ट इट विद द फैमिलियर व्हिच मींस दैट वी नेसेसरी डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज़ नोट। अगर हम किसी न्यू चीज़ को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं उसके बारे में हम पूरे पॉजिटिवली बोलते हैं कि उसकी मेरिट्स ही बोलिए, तो कई बार हमें जो है उसकी डीमेरिट भी जो है बतानी होती है। तो क्या इसमें वो भी देख, ज़रूरी नहीं है कि यही देखते हैं कि क्या इसमें पॉजिटिविटी है, तो ये भी कई बार हमें बताना पड़ता है कि क्या इसमें नहीं है। बट आफ्टर सम 20 ईयर्स ऑफ थियोराइजिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म शुड बी पॉसिबल टू से अ लिटल मोर अबाउट इट। लेकिन 20 ईयर्स कि ये जो थ्योरी है उसके बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है बताया गया इसके बारे में, और आफ्टर अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन वेदर दे आर राइट और नॉट इट सीम्स टू मीन नेगेटिव डेफिनेशंस आर अनसेटिस्फैक्ट्री इन देमसेल्व्स। चाहे ये हमें नहीं पता कि जो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है वो सही है या गलत है, लेकिन फिर भी इसके जो नेगेटिव डेफिनेशंस हैं वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जस्ट एज अ डेफिनेशन ऑफ वुमन एज नॉन मैन विल नॉट डू अल्टीमेटली। जैसे कि अगर हम वुमेन को कहें कि नॉन मैन, तो ये कहना अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसके बारे में डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए अगर हम कोई नेगेटिव डेफिनेशन देते हैं, देन इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम्स विच फेमिनिस्ट हैव विद डीकंस्ट्रक्शन आर नॉट एक्सक्लूसिव टू फेमिनिज्म। थर्ड वर्ल्ड क्रिटिक्स कमिटेड टू द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द कल्चर आर बाउंड टू एक्सपीरियंस सम ऑफ द सेम डिफ़िकल्टीज। तो कहते हैं जो फेमिनिस्ट ने डीकंस्ट्रक्शन के लिए या वैसे जो है उन्होंने प्रॉब्लम्स जो पाई हैं, ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पाई हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी जो है इस डीकोलोनाइजेशन ऑफ कल्चर में बहुत सारे जो हैं डिफ़िकल्टीज जो हैं एक्सपीरियंस की हैं। बट दिस इज़ लीडिंग अस टू फार अ फील्ड सफाइज इट से दैट द पोलिटिकल बियरिंग्स ऑफ डीकंस्ट्रक्शन आर अनक्लियर। तो हम कह सकते हैं कि अगर डीकंस्ट्रक्शन की हम पोलिटिकल बियरिंग के बारे में बात करते हैं तो दैट इज़ अनक्लियर, क्योंकि हमें इसके बारे में अच्छे से पता नहीं चलता। ये वैग्यू है। सो कॉन्सिक्वेंटली डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स आर नॉट लाइकली टू फोरग्राउंड पोलिटिकल कंसर्न्स पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स माइट हैव।
Let me now be a bit more specific about these all-encompassing issues by means of case study of Hudson's A Politics of Modernism. तो इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो केस स्टडी है एक हडसन की, तो उससे जो है हमें ज़्यादा पता चलता है. तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद.